तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण जो कि क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और इसमें हम मात्रक मापन त्रुटि विश्लेषण डिस्कस करेंगे। तो क्लास 11 की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है बेटा। हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.2, आज स्टार्ट करेंगे। 3.1 हमारा फिनिश हो चुका है। तो मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फिजिक्स की क्लासेस भी आप इस चैनल के माध्यम से जो है पा सकते हो, ठीक है। फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डर लगता होगा फिजिक्स से, ठीक है, बट डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स एक्सप्लेन करूंगा। और एक एक चीजें मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा मोटो है बेसिक से सीखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मात्रक मापन त्रुटि विश्लेषण। तो 11 की जो फिजिक्स है ना, उसके अंदर पूरा का पूरा मैकेनिक्स भरा हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे हम फिजिक्स के स्टडी करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो पहले चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं मात्रक मापन त्रुटि विश्लेषण, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं जो है गति के बारे में, मोशन के बारे में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, एक सरल रेखीय गति। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेन में गति, और प्लेन में गति में हम चीज पढ़ते हैं वेक्टर एनालिसिस, ठीक है ना, सदिश विश्लेषण पढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि कोई भी वस्तु गति क्यों करता है, क्या रीजन है उसकी गति करने का। तो लॉज ऑफ मोशन आ जाता है आपका, ठीक है ना, गति के नियम आता है। अच्छा, गति करता है तो गति करने के लिए हमें काम भी करना पड़ता है, ठीक है ना, और काम करने के लिए हमें पावर भी चाहिए होता है, मतलब ऊर्जा चाहिए होता है, ठीक है। और ऊर्जा चाहिए, और किसी वस्तु के पास कितनी पावर है, कितनी उसके पास शक्ति है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उसके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा पोर्शन, फिर हमारा आता है रोटेशनल मोशन, कि कोई भी वस्तु रोटेट क्यों करता है, घूमता क्यों है वो अपने अक्ष के परिधा, ठीक है ना, कितने तरीके के रोटेशन हो सकते हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर आता है हमारा रोटेशनल घूर्णन गति पे। घूर्णन गति हो जाता है, फिर बात आती है न्यूटन बाबा की भाई, कि न्यूटन जब पेड़ के सॉरी सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब नीचे गिरा, बन गया ग्रेविटेशन। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन का, जो कि न्यूटन बाबा की देन है ना। तो ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। ये पूरा चैप्टर जो है 8 चैप्टर है आपके पूरे फर्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। और ये फर्स्ट बुक के अंदर आपको इन 8 चैप्टर के बारे में स्टडी करना है, जिसमें से पहला चैप्टर हमारा मात्रक मापन और त्रुटि विश्लेषण। और इसका हर एक चैप्टर के अंदर आपका उपयोग होगा। जैसे हम बात करते हैं डायमेंशन की ना, बीमा की, त्रुटि की, ठीक है, मापन की, ये हर एक चीज में अप्लाई होगा। क्योंकि विदाउट मापन, अगर हम बात करें मापन की आवश्यकता क्यों है, मापन की जरूरत ही क्यों पड़ी, हम माप क्यों रहे किसी भी चीज को, क्या जरूरत पड़ी हमें मापने की। बेटा, जब तक आप किसी भी चीज को नहीं मापोगे, तब तक उस चीज के बारे में आप सही से जानकारी हासिल नहीं कर सकते, है ना। अगर मैं इस पेन की लंबाई नहीं मापूंगा, तो हम मैं इसकी कंपैरिजन किसी दूसरे पेन के साथ नहीं कर सकता कि वो छोटा है या बड़ा है। चलो, ये तो हम देख के भी बोल सकते हैं, सर हाँ ये छोटा है ये बड़ा है, हम देख के भी बोल सकते हैं। देखो, एक ये बुक है, एक ये वाली बुक है, तो आप दोनों की साइज से बता सकते हो, सर ये वाली बड़ी बुक है ये छोटी। अगर मैं पूछू कितना बड़ी है भाई, ये जो बुक है वो कितना बड़ा है, कितना सेंटीमीटर बड़ा है, 2 सेंटीमीटर बड़ा, तो आप ये नहीं बता सकते। बिना मेजरमेंट करे आप ये नहीं बता सकते कि जो बड़ी वाली बुक है वो कितनी सेंटीमीटर बड़ी है, नहीं बता सकते हो। आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, दो वस्तु है, ए और वस्तु बी है बेटा, आपके पास दो वस्तु है। इस ये वस्तु गर्म है, ये वस्तु क्या है बेटा, गर्म है, ये थोड़ा सा ठंडा है, ये थोड़ा गर्म है, ये थोड़ा गर्म है, ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये थोड़ा सा गर्म है। अब से पूछू मैं भाई, बताओ इसमें से सबसे ज्यादा गर्म कौन सी वस्तु है, आप कहोगे सर ये वस्तु जो है वो सबसे ज्यादा गर्म है, बी वस्तु सबसे उसे कंपैरिजन में थोड़ा सा ठंडा है। अच्छा, मैं पूछू बताओ, ये बताओ कि इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, इसके बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है, तापमान का अंतर कितना है, तो सर ये तो नहीं बता सकता मैं। तो मैंने कहा अब ये जब बताना होगा तो आपको इसके ताप को मापना पड़ेगा, इसके ताप को भी आपको मापना पड़ेगा, तभी तभी आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच का जो तापमान का जो अंतर है वो कितना है। अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आपको बुखार होता है तो आप चले जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब से कहते, सर डॉक्टर साहब मुझे तो बुखार हुआ है। तो डॉक्टर साहब फिर आपका हाथ पकड़ता है और कहता है हाँ फीवर तो है,
तो डॉक्टर आपके हाथ पकड़ के ये नहीं बता सकता आपको कितना फीवर है। फिर डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अपने दराज से वो निकालते हैं थर्मोमीटर और फिर आपकी जीभ में डाल देते हैं या आपके बॉडी पार्ट्स में, वो थर्मोमीटर को टच करा देते हैं। फिर उस थर्मोमीटर को देख के डॉक्टर साहब आपको बताते हैं, भैया आपको तो 101 बुखार है, या आपको बोलते हैं यार आपको तो 100 बुखार है। तो वो डॉक्टर साहब बिना मेजरमेंट करे आपको नहीं बता सकता कि आपको कितना फीवर है। तो वहां पे भी हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। अच्छा सर ये बात है। और अच्छा देखो आपकी पुश्तैनी जमीन है, आपके पास 10 एकड़ जमीन है, ठीक है, पुश्तैनी पापा के पास जमीन है भाई, बंदे की ठाट बाटी अलग है। अच्छा आप 3 भाई हो, है ना, आप 3 भाई हो, ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे तो फिर उस जमीन का बंटवारा होगा। क्या ऐसे ही बंटवारा कर दोगे बिना मापे, ऐसे ही बंटवारा कर दोगे तो हो सकता है बड़ा वाले भाई, बड़े भाई के पास ज्यादा जमीन चली जाए छोटे पास कम जाए, या छोटे के पास ज्यादा चली जाए बड़े के पास कम चली जाए, तो लड़ाई होगी, ठीक है। तो वहां पे बंटवारा जब आप कर रहे हो तो बंटवारे में भी आपको क्या चाहिए, मापन चाहिए, वहां पे भी आपको मापना पड़ेगा, आपको मेजर करके 3 हिस्सों में आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। बिना मापे आप 3 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। तो डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे मापन की हमें आवश्यकता पड़ती है, बिना मापन करे हम उस चीजों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जिसको हम मापते हैं। अच्छा सर मापने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, हम किसी भी चीज को मापते हैं तो एक प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, एक अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है प्रत्यक्ष, और एक होता है अप्रत्यक्ष। अच्छा सर ये क्या होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट आप मेजर कर सकते हो, है ना, और एक आप इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हो। अच्छा डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, भाई मेरे पास एक मीटर स्केल है, जैसे ये मेरे पास मीटर स्केल है, मैंने कहा भाई इस पेन की लंबाई मापो, तो आपने मीटर स्केल लिया और मीटर स्केल को लेके इस पेन की लंबाई आपने माप दिया, आपने माप के बता दिया सर इसकी लंबाई तो है 14 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एक डिवाइस था, क्या, एक स्केल, और इस स्केल की हेल्प से मैंने क्या करा, इस पेन के लंबाई मापी, इस पेन की लंबाई मापी, हमने क्या कहा भाई इसकी लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। तो हमने इस स्केल से जब किसी भी चीज का मेजरमेंट लेते हैं वो डायरेक्ट मेथड होता है, उसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप टाइम देखोगे, टाइम देखने के लिए, देखने के लिए आपके पास घड़ी है, घड़ी से आप टाइम देख सकते हो, आप टाइम को मेजर कर सकते हो, तो वो एक डायरेक्ट मेथड, ठीक है। आप दुकान में सब्जी लेने जाते हो, सब्जी की सब्जी वाला है, सब्जी वाले के पास गए, भाई एक काम कर 2 किलो आलू दे दे, 2 किलो आलू, दुकानदार क्या बिना मापे देगा, उसके पास क्या 2 किलो का बाट रखा है, वो एक साइड 2 किलो को बाट रखेगा, दूसरी साइड आलू डालेगा, और फिर क्या करे वो आपको माप के दे देगा। अच्छा तो उसने क्या, कौन सा मेथड यूज किया, उसने डायरेक्ट मेथड यूज किया मेजर करने के लिए, क्या उसके क्या डायरेक्ट। तो जब हम किसी इक्विपमेंट की हेल्प से, जब हम किसी इक्विपमेंट की हेल्प से मतलब किसी उपकरण की सहायता से जब हम किसी का मेजरमेंट लेते हैं तो वो आता है डायरेक्ट मेथड, किसमें आता है डायरेक्ट मेथड। अच्छा अच्छा मैंने कहा देखो एक काम करो, ये जो मेरे पास बॉटल है ना, मान लो ये सिलेंड्रिकल है, ये बॉटल है मेरे पास, मैंने कहा एक काम करो इस बॉटल के आयतन बताओ कितना है, इसका वॉल्यूम बताओ। तो आपने कहा सर इसके वॉल्यूम को मापने के लिए तो मेरे पास कोई डिवाइस ही नहीं है। तो मैंने कहा बताओ भाई माप के बताओ। तो आपने क्या करा, इस बॉटल की लंबाई मापी, आपने इसकी त्रिज्या मापी, और फिर आपने त्रिज्या और लंबाई को माप के आपने कहा कि जो बेलन है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आपने क्या करा इस वाले फॉर्मूले में क्या रखा भाई, आर त्रिज्या रख दिया, और इसकी ऊंचाई या लंबाई जो भी है आपने इसको वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके आपने बता दिया कि ये फला फला इसका वॉल्यूम। तो क्या आपने इसके आयतन को मेजर करने के लिए आपने किसी डिवाइस का यूज किया, क्या डायरेक्टली हम आयतन को मापने के लिए किसी वॉल्यूम सॉरी किसी डिवाइस का हमने यूज किया, क्या नहीं। हमने क्या करा, हमने लंबाई नापी, हमने त्रिज्या नापी, फिर हमने इस फॉर्मूले का यूज करके हमने आयतन को मापा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज किया, हमने
इसको मेजर करने के लिए हमने क्या इनडायरेक्ट मेथड यूज किया है। ओ भाई बहुत मजा आ गया सर, मजा आ गया। अच्छा मैंने कहा देखो ये एक बुक है, आप मुझे बताओ इस बुक का आयतन सॉरी घनत्व कितना, इस ये जो बुक है मेरे पास इस बुक का घनत्व कितना है। तो आप कहोगे सर घनत्व कैसे मापेंगे, घनत्व मापने के लिए तो हमारे पास कोई डिवाइस ही नहीं है। आपने कहा सर घनत्व मापने के लिए मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है। तो मैंने कहा देखो घनत्व तुम माप सकते हो, तो घनत्व मापने के लिए सबसे पहले इस बुक को तराजू में रखो और तराजू में रख के इसका द्रव्यमान निकालो। क्या निकालो भाई, इसका द्रव्यमान निकालो, फला फला इसका द्रव्यमान मानो कितना एम द्रव्यमान है इसका। फिर मैंने कहा एक काम करो, ये क्या है ये घन के शेप का है, तो इसके लंबाई इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई माप लो। ये इसकी लंबाई ठीक, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगा ठीक, सॉरी ये इसकी चौड़ाई हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगा और ये इसकी लंबाई हो जाएगा। तो मैंने कहा इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माप के इसका आयतन निकालो, वी इज इक्वल टू एल बी एच से। फिर आपने आयतन भी माप लिया, आपने द्रव्यमान भी माप लिया। फिर मैंने कहा घनत्व वाले फॉर्मूले में आप रख दो घनत्व डी बराबर एम अपॉन बी, और इस वाले फॉर्मूले में रख के आप इसका घनत्व निकाल दो। आपने कहा ठीक है सर ये सही कहा, हम इस तरीके से हम इसका घनत्व निकाल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया, एम अपॉन बी से आप इसका घनत्व निकाल सकते हो। क्या ये डायरेक्ट मेथड है, क्या डायरेक्ट डायरेक्टली हमने क्या घनत्व निकाला है, क्या डायरेक्टली हमने घनत्व को मेजर किया है? नहीं। आपको सर घनत्व को मेजर करने के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया है और ये फॉर्मूला है एम अपॉन बी। ओ भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा इस तरीके के जो मेजरमेंट के टूल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मैथड। तो दो मेथड, एक डायरेक्ट मेथड मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो हम किसी भी राशि को हम किससे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड से मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड मैंने आपको बता दिया, और मेजरमेंट की क्या क्यों आवश्यकता पड़ी है ये चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी है, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी है। भाई बहुत बढ़िया, और मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है मतलब मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक टर्म्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं, भौतिक राशि। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं हम, भौतिक राशि। देखो एक टर्म्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या होता है भाई भौतिक राशि। मैंने कहा भौतिक राशि वो राशि होती है जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, जिसको हम किसी भी मेथड से माप सकते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि है या अप्रत्यक्ष विधि है। तो जब हम किसी राशि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से माप सकते हैं तो ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। आपने कहा सर बताओ कोई एग्जाम्पल बताओ। मैंने कहा देखो लंबाई को हम माप सकते हैं, अगर मैंने कहा इसकी लंबाई बताओ तो आप इसकी लंबाई को नाप सकते हो। मैंने अभी बोला कि इसका द्रव्यमान बताओ इस बुक का, तो आपने कहा सर इसका द्रव्यमान भी मैं नाप सकता हूँ, तो लंबाई द्रव्यमान। मैंने बोला इस बोतल का वजन आयतन बताओ, इस बोतल का आयतन कितना होगा, तो आपने इसका आयतन भी नाप दिया, तो आयतन भी हम नाप सकते हैं। मैंने कहा इस बुक का घनत्व बताओ भाई, तो आपने कहा सर इसका घनत्व भी हम नाप सकते हैं, तो घनत्व हो गया। तो लंबाई द्रव्यमान घनत्व बल वेग ये सब क्या है, ये सब भौतिक राशि, क्योंकि हम इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं बेटा, माप सकते हैं। तो ऐसी बहुत ऐसी राशियां जिसको जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, तथा तो जिसकी सहायता से फिजिक्स के नियमों का हम अवकलन कर सके, या जिसकी सहायता से फिजिक्स के नियमों को हम प्रदर्शित कर सके, तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। चलो अच्छा मैंने कहा भाई देखो राम और श्याम के बीच में बहुत दुश्मनी है। मैंने कहा राम और श्याम के बीच में बहुत दुश्मनी है, दुश्मनी है भाई दुश्मनी। ओह सर अच्छा ऐसा है क्या, मैंने पूछा कितना कितनी दुश्मनी है, आपने कहा बहुत है। मैंने कहा क्वांटिटी में बताओ, 10 है 20 है 15 है 100 है कितना है। आपने कहा सर नहीं ये तो नहीं है, ये तो नहीं, हम माप नहीं सकते भाई, ये तो नहीं माप सकते कि कितना है। आपने कहा भाई देखो एक जानवर है वो बहुत खतरनाक है, सर टाइगर है बहुत खतरनाक। मैंने कितना खतरनाक है, 10 15 20 100 1000 कितना। अपने से माप ही नहीं सकते हम बता ही नहीं सकते न्यूमेरिकल वैल्यू में कि कितना है, तो मैंने क्यों कह रहे हो फिर भौतिक राशि नहीं है। मैंने कहा भाई देखो एक मम्मी अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, एक मम्मी अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैंने कितना, 10 100 1000 10 हजार 1 लाख 20 लाख कितना। सर नहीं यहाँ पे प्यार को भी मैं मेजर नहीं कर सकते हैं,
तो ऐसी राशि जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं, तो उसको कभी भी हम भौतिक राशि के अंदर नहीं रखते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल दिए मैंने, दुश्मनी, खतरनाक प्यार, ठीक है ना, गुस्सा, क्रोध, जितने भी हैं ये सब, क्योंकि इसको हम कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी हम इसको भौतिक राशि के अंदर नहीं रखते। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल सा, सुंदर सा, बढ़िया सा मैं डेफिनेशन लिख के देता हूँ भौतिक राशि का, और आपको नोट भी करना है, नोट्स बनाते हुए चलना स्टार्टिंग से फिजिक्स का, मजा आएगा पढ़ने में। भौतिक राशि वह राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मापा जा सकता है, ठीक है, वह राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मापा जा सकता है, तथा तथा जिसके द्वारा भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती है। जो मेन मेन डेफिनेशन है वो लिखवाऊंगा, बाकी आपको जो मेन मेन पॉइंट्स लगता है जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से आप नोट करेंगे बेटा, ठीक है। तो भौतिक राशि वह राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकती है, मापी जा सकती है, तथा जिसके द्वारा भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके। अच्छा सर, तो भौतिकी के नियम क्या है? मैंने कहा भाई आइंस्टाइन का नाम सुना है? सुना तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्या सुना है कभी इसके बारे में? बिल्कुल सुना है, ये फिजिक्स का लॉ है। अच्छा मैंने बोला न्यूटन बाबा के नाम बारे में सुना है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, आपने कहा सर हाँ सुना तो है भाई, एप्पल गिरा और उन्होंने जो है न्यूटन का लॉ बना दिया गुरुत्वाकर्षण का, सुना तो है। मैंने कहा क्वेश्चन क्या था भाई? इक्वेशन था एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। मैंने कहा ये फिजिक्स के लॉ है, ये फिजिक्स के लॉ, ठीक। तो ये जितने भी लॉस है, इन लॉस को इन भौतिक राशियों के पदों में हम क्या कर सकते हैं बेटा? व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे राशि राशियों को हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। बहुत बढ़िया, गजब सर, मजा आ रहा पढ़ने में, बिल्कुल आएगा, फिजिक्स है ही इंटरेस्टिंग इतना, है ना। तो यहाँ पे हमारा तो उदाहरण, सर उदाहरण दीजिए एक दो। बिल्कुल दूंगा बेटा, उदाहरण लिखो भाई, उदाहरण लिखो, क्या बल हो गया, ठीक है ना, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, दाब हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है सर, और भी होता है क्या? बिल्कुल बहुत सारे होते हैं, बहुत होते हैं, बल, क्षेत्रफल, दाब, वेग, विस्थापन आदि, ये सब क्या है? ये सब भौतिक राशि है, क्योंकि इसको हम माप भी सकते हैं और इसके साथ साथ फिजिक्स के नियमों को हम व्यक्त भी कर सकते हैं। अब का सर ये बताओ, जो भौतिक राशि है ये कितने प्रकार के होते हैं? जो भौतिक राशियां है ये कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के भौतिक राशियां है? आपने कहा सर भौतिक राशियां तो बहुत है, आप कह रहे हो बहुत है, तो इसको अगर कैटेगराइज करें तो कितने तरीके से कर सकते हैं? मैंने कहा देखो, सबसे पहले ना एक मीटिंग हुई थी, पूरे वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट थे वो बैठे एक मंच पे, एक मीटिंग, गोल मीटिंग पे बैठे, चाय पे चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा देखो, फिजिक्स का जो लॉस है और फिजिक्स की जितनी भी राशियां हैं ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम क्या करते हैं ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कैटेगरीज करते हैं, ताकि फिजिक्स की स्टडी करना जो है वो इजी हो जाए। जैसे हमारे पास केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल से हम क्या करते हैं, तत्वों का जो वर्गीकरण हमने किया है वो किस लिए किया है? क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ऐसे ही कुछ हम फिजिक्स में भी करते हैं। तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं हम क्या करते हैं, इन भौतिक राशियों को ना वर्गीकृत करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, कर दो वर्गीकृत। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो ऐसी कुछ भौतिक राशियां हम लेते हैं जो स्वतंत्र हो, और कुछ ऐसे भौतिक राशियां लेते हैं जो डिपेंडेंट हो। तो उन्होंने भौतिक राशियों को दो पार्टों में डिवाइड कर, जो भौतिक राशि है इसको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं बेटा, और इस फिजिकल क्वांटिटी को उन्होंने क्या करा, दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड। उन्होंने कहा एक मूल भौतिक राशि होगी, पहला नाम दिया उन्होंने एक मूल भौतिक राशि, उन्होंने कहा एक मूल भौतिक राशियां होंगी और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि, दूसरे को उन्होंने नेम दिया
भौतिक राशि, पहला मूल भौतिक राशि, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या? व्युत्पन्न भौतिक राशि, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अच्छा आप कहोगे सर ये मूल भौतिक राशि किस जानवर का नाम है, ये जो मूल भौतिक राशि है ये किस बला का नाम है, तो मैंने कहा देखो मूल भौतिक राशि और भू राशियां होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र है, जिससे एक दूसरे से लेना देना ही नहीं है। क्या? जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो ऐसी भौतिक राशियों को क्या बोलते हैं आप, मूल भौतिक राशि बोलते हैं। अब कहोगे सर एग्जाम्पल दो, ऐसे कैसे मान ले भाई। तो मैंने कहा देखो लंबाई है ना, लंबाई का क्या द्रव्यमान के साथ कोई संबंध है, नहीं है, लंबाई द्रव्यमान पर डिपेंड करता ही नहीं है। अच्छा मैंने कहा लंबाई का क्या तापमान के साथ कोई संबंध है, क्या उनके पास कुछ रिलेशन है? आपने कहा सर लंबाई का तापमान के साथ रिलेशन नहीं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप टेम्परेचर कितना भी रखो, कितना भी कम करो, ज्यादा करो, लंबाई में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, लंबाई चेंज होगी ही नहीं, तो लंबाई का तापमान के साथ कोई परिवर्तन कोई है, मतलब संबंध नहीं है। मैंने कहा क्या देखो ये जो एक बार का ये जो मेरे पास पेन है ना, क्या इस पेन की जो लंबाई है क्या ये 10 साल बाद चेंज हो जाएगी, या क्या 100 साल बाद इसकी लंबाई चेंज हो जाएगी? क्या सर 10 साल बाद, 100 साल बाद, अब तक तो चेंज हुआ नहीं है, तो 10 साल बाद क्या चेंज, 100 साल बाद क्या चेंज, इसका मतलब ये जो लंबाई है ये लंबाई समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा, इसका मतलब समय के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशियां जिनका संबंध किसी दूसरे भौतिक राशियों के साथ नहीं होता है, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, तो ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या बोलते हैं बेटा, मूल भौतिक राशियां बोलते हैं। पहले डेफिनेशन, फिर देन इसके टाइप, मतलब कौन कौन से इसके अंदर भौतिक राशियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मूल भौतिक राशियां। अच्छा मूल भौतिक राशियां जो है बेटा, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी हम इसको बोलते हैं। तो वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते है मूल भौतिक राशियां कहलाती कि वह भौतिक राशियां जो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। ओ हो भाई बहुत बढ़िया, गजब, मजा आ गया सर। अच्छा सर एग्जाम्पल भी तो बताओ। तो यहाँ पे देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 मूल भौतिक राशियां हैं बेटा, जिसको हमने फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच से खोद खोद के निकाला है। फिजिक्स के जितने भी बहुत सारे ब्रांच है, फिजिक्स आप पढ़ोगे ना अभी तो आप फिजिक्स के समंदर में गोता लगाओगे भाई, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं जिसमें फिजिक्स के अलग अलग चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा बेटा कि कितने ब्रांचेस है। देखो मूल भौतिक राशियां 7 है जो कि अलग अलग ब्रांचेस से लिया गया है, ठीक ना, तो 7 मूल भौतिक राशियां। पहला द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान संबंधी और लंबाई का कोई एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, तो द्रव्यमान हो गया। ठीक है, फिर आपका लंबाई हो गया, क्या हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, फिर आपका क्या हो गया बेटा, फिर आपका द्रव्यमान लंबाई के बाद आपका आ जाता है समय हो गया भाई, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, कहावत सुनते हो ना, समय किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता है, समय अपनी गति से चलता है। ठीक है, तो समय हो गया, फिर इसके बाद द्रव्यमान लंबाई समय, उसके बाद आप क्या कहोगे सर, इलेक्ट्रिसिटी से ना करंट को भी लिया गया, वैद्युत धारा जो है इसको लिया गया करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, वैद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। ओहो अच्छा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स से आपका टेम्परेचर को लिया गया है, तापमान को लिया गया है, सॉरी तापमान लिख दिया मैंने, तापमान क्या होता है बेटा, तापमान, तापमान इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बेटा, टेम्परेचर। ठीक है,
टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया। अच्छा भाई, अच्छा सर ऑप्टिक्स से कुछ नहीं लिया गया है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिया गया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब जिसमें प्रकाश की हम स्टडी करते हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। सर क्या प्रकाश में से कुछ नहीं लिया गया? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिया गया, उसमें से लिया गया ज्योति तीव्रता को, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपने देखा होगा अलग अलग बल्ब की जो इंटेंसिटी होती है ना, तीव्रता जो होती है वो अलग अलग होती है। 10 वाट की जो बल्ब है वो कम रोशनी देती है, 20 वाट की बल्ब उससे ज्यादा रोशनी देती है, 100 वाट की बल्ब उससे ज्यादा रोशनी देती है। तो जो रोशनी है ना उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं ज्योति तीव्रता में। तो ज्योति तीव्रता एक मूल भौतिक राशि होगी। अच्छा भाई, उसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, आप होगा तो नंबर्स के बारे में आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, पदार्थ की मात्रा केमिस्ट्री में पढ़ोगे ज्यादातर एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा, तो ये सात कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7। तो ये 7 मूल भौतिक राशियां है, और ये मूल भौतिक राशियां जो है वो एक दूसरे से क्या है बेटा? स्वतंत्र है, ये कभी भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा साइंटिस्टों ने दूसरी जो कैटेगरी बनाई भाई वो बनाई है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशि। देखो व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होता है? व्युत्पन्न भौतिक राशि वह भौतिक राशियां होती है जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। किसपे? इस पर निर्भर करता है, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, या वह भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से बना हुआ होता है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सी चीज है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां वो भौतिक राशियां होंगी जो किस पे डिपेंडेंट होंगी बेटा? मूल भौतिक राशि पर डिपेंड। फॉर एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैंने कहा क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर है, लंबाई और चौड़ाई है तो दोनों लंबाई है ना, लंबाई पर निर्भर है। अच्छा सर ऐसी बात है क्या? अच्छा चलो बेग की बात कर लेते हैं। बेग, बेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। मैंने कहा दूरी भी लंबाई है, समय जो कि एक व्युत्पन्न राशि है, तो दूरी मीन्स लंबाई जो कि एक मूल भौतिक राशि है, और बटे समय जो कि एक मूल भौतिक राशि है। तो मैंने कहा बेग जो है एक क्या है हमारा? एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से जो मूल भौतिक राशियों से बना, तो वह भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से बना हुआ हो व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती। ठीक हो गया, यस बिल्कुल। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां वह भौतिक राशियां होती है, भौतिक राशियां कहलाती। जैसे उदाहरण के तौर पर, सर उदाहरण भी तो दीजिए, बिल्कुल देते हैं भाई उदाहरण। जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, उसके पास आपका आयतन हो गया, आपका बल हो गया, ठीक है, और उसके बाद वेग हो गया आपका, ठीक है, आदि। मतलब सात मूल भौतिक राशियों को छोड़ के जितने भी भौतिक राशियां है वो सब किसमें है बेटा? व्युत्पन्न भौतिक राशियों। मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशियों का एक अंबार लगा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी राशियां हैं, जिसके बारे में धीरे धीरे से फिजिक्स के अंदर आप क्या करोगे? बड़ा स्टडी करोगे, सारी चीजों के बारे में स्टडी करोगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है कि मापन की क्यों आवश्यकता पड़ी है हमें, ठीक है, और भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक राशियों के दो प्रकार है, एक मूल भौतिक राशि, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल के सेशन में हम बात करेंगे मात्रक के बारे में, और मापन कैसे किया जाता है, किसी भी चीज का मापन कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मात्रक क्या है, मात्रकों का वर्गीकरण किस तरीके से हमने किया है, मात्रकों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल के सेशन में हम मात्रक पढ़ने वाले। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ समझ में आया,
प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। चैनल पर पहली बार विजिट करें बेटा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि क्लास 11, 12, 10 की पूरा सिलेबस मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देने वाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।